शीशे से बना आसमान को छूता हुआ ब्रिज, ब्रिज जिसके अतराफ से पानी के फवारे छूटते हैं, और एक ऐसा ब्रिज जिसे जब तक आप देख नहीं लेंगे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन ही समझेंगे। आज की इस वीडियो में आप सैर करेंगे ऐसे ही दिलचस्पो अजीब ब्रिजेस की। नाजरीन, शायद इन ब्रिजेस को जाकर देखना तो आपको मुयस्सर ना हो, लिहाजा आप तसल्ली से बैठकर इस वीडियो को एंड तक देखिए और घर बैठे ही इनके मंजर से लुत्फ उठाइए। ज़ेंगजियाजी ग्लास ब्रिज चाइना का सबसे ऊंचा और खतरनाक ब्रिज है। ये ब्रिज आम ब्रिजेस से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इस ब्रिज के बॉटम को बनाने के लिए किसी लकड़ी या स्टील का नहीं बल्कि इंतहाई नाजुक समझे जाने वाले मटेरियल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं तो अपने पाँव के नीचे जो जमीन आपको दिखाई देती है वो तकरीबन 1000 फुट नीचे होती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या शीशे के ब्रिज पर इस तरह चलना सेफ हो सकता है, तो जनाब इस ब्रिज के मालिक ने इसी खदशे को दूर करने के लिए इस ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर ब्रिज के स्टाफ से भरी हुई गाड़ी चलाई। इसके अलावा चंद वॉलंटियर्स को बुलाकर उनसे कहा गया कि वो हथौड़ों से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करें। हथौड़े लगने पर शीशे की ऊपर वाली सतह पर क्रैक तो आए लेकिन स्ट्रक्चर अपनी जगह पर मौजूद रहा। इस ब्रिज के शीशे की मजबूती की वजह ये है कि इसमें लगा हुआ शीशा 2 इंच मोटा है और इतने मोटे शीशे की भी 3 लेयर्स लगी हुई है। आप लोगों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि ज़ेंगजियाजी ग्लास ब्रिज दुनिया का वाहिद ग्लास ब्रिज नहीं है बल्कि इस तरह के और भी बहुत से मारूफ ग्लास ब्रिजेस पाए जाते हैं। सिर्फ चाइना में कुल मिलाकर लगभग 2300 ग्लास ब्रिजेस पाए जाते हैं। इसी तरह का एक ग्लास ब्रिज चाइना के सूबे हेबे में टाईहैंग माउंटेन पर भी पाया जाता है। ये ब्रिज थ्रिल और एडवेंचर को एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला गया है। इस ब्रिज के शीशे में स्पेशल सेंसर्स लगे हुए हैं जो ऊपर वजन महसूस करने पर टूटकर चटकने की आवाजें देने लगते हैं। ये मंजर देखकर लोगों के उहसान खता हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब बस उनका चल चलाओ है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। फ्लोटिंग ब्रिज चाइना के सूबे हुबे में वाकई है। यह 4.5 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा है। इसे 2 सरसब्जो शादाब पहाड़ों के बीच में बहने वाले दरिया के ऊपर बनाया गया है। जैसे जैसे दरिया मुड़ता है वैसे वैसे ये ब्रिज भी मुड़ता है। जब इस ब्रिज पर से कोई गाड़ी गुजरती है तो नीचे पानी में लहरों को बनते हुए साफ देखा जा सकता है। इस ब्रिज को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ही बनाया गया है और इस ब्रिज पर बयक वक्त 10,000 लोग सफर कर सकते हैं। इस ब्रिज पर पैदल चलते या गाड़ी चलाते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप घने सरसब्जो शादाब पहाड़ों के बीच पानी की सतह पर चल रहे हों। बेनपो ब्रिज साउथ कोरिया का फवारों वाला और रंग बिरंगी रोशनियों से जिलमिलाता हुआ ब्रिज है। 570 मीटर इस ब्रिज में पानी के 380 फवारे और मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां लगी हुई हैं। दिन और रात को ये फवारे और रोशनियां मुख्तलिफ तरह के शो दिखाते हैं। अगरचे दिन को भी फवारे मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर चलते रहते हैं लेकिन इस ब्रिज की असल खूबसूरती रात के वक्त नजर आती है जब इस पुल के पास म्यूजिक बजने लगता है और उस म्यूजिक के रिदम के साथ पानी के फवारे और मुख्तलिफ रंगों की 200 रोशनियां रक्स करती नजर आती हैं। रोलिंग ब्रिज लंदन में वाके है और इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये बाकी ब्रिजेस की तरह अपनी जगह फिक्स नहीं रहता बल्कि रोल होकर एक सर्कल की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि इस बेमकसद करतब दिखाने वाले ब्रिज को आखिर क्यों कर बनाया गया होगा, तो लीजिए मैं ये भी अर्ज किए देता हूँ। इस ब्रिज को ग्रैंड यूनियन नहर के ऊपर लोगों के गुजरने के लिए बनाया गया था लेकिन मसला ये था कि इस ब्रिज के नीचे से कश्तियों को भी गुजरना होता था और उनके गुजरने के लिए इस ब्रिज के नीचे जगह नाकाफी थी, लिहाजा एक ऐसे डिजाइन का ब्रिज बनाया गया जो आम हालत में बाकी ब्रिजेस जैसा होता है लेकिन कश्ती गुजरने के वक्त फोल्ड हो जाता है। द मोजेस ब्रिज नेदरलैंड्स का एक ऐसा ब्रिज है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है और लकड़ी से बनाया गया है। अगर आप इस ब्रिज पर से गुजरें तो इसके गिर्द पानी को छू भी सकते हैं। इस ब्रिज को अकोया लकड़ी से बनाया गया है जो जमीन के अंदर और पानी में खराब नहीं होती।
इस लकड़ी की वजह से ही इस ब्रिज का डिजाइन मुमकिन हो सका है। इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट बाइबल में जिक्र हजरत मूसा अलैहि सलाम के किस्से से लिया गया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम के हमराह समंदर के सामने पहुंचे तो अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़कर उसके बीचों बीच आपके लिए रास्ता बना दिया। आपके गुजरने के बाद जब फिरौन ने अपनी फौज के हमराह उसी रास्ते से गुजरना चाहा तो अल्लाह ताला ने समंदर के पानी को आपस में जोड़ दिया और इस तरह फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ गर्क हो गया। अगर आप किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरें तो आप बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे होते कि वहाँ कोई मार्केट या शॉप होगी, लेकिन सदियों पहले किसी पुल की दूसरी मंजिल पर दुकानों और घरों का खड़ा होना एक आम बात थी। ऐसे ब्रिज की एक मिसाल अब भी इटली में मौजूद है। इस ब्रिज को पोंटे वेकियो कहा जाता है। इस ब्रिज को 1345 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस पुल पर मौजूद दुकानें पहले पहल लोहारों, कसाईयों और चमड़ा रंगने वालों के पास थीं, लेकिन उनके काम की वजह से यहाँ शोर बहुत होता था। चुनांचे इसी वजह से इन दुकानों को उनसे खाली करवा कर उन्हें ज्वेलर्स और आर्ट क्राफ्ट वालों के हवाले किया गया। फॉलकिर्क व्हील स्कॉटलैंड में वाकई है। इसे देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सच में मौजूद है। इस किस्म की टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्यूचरिस्टिक मूवीज में ही देखने को मिलती है। ये दरअसल एक ब्रिज नहीं बल्कि कश्ती को ऊपर ले जाने वाली लिफ्ट है। ये लिफ्ट ऊपर और नीचे दो मुख्तलिफ नहरों को आपस में जोड़ती है। ये लिफ्ट नीचे कश्ती को पानी समेत उठा लेती है और फिर ऊपर ले जाकर उसे एक दूसरी नहर में छोड़ देती है। इस ब्रिज का इफ्तिताह सन 2002 में किया गया था। नाजरीन, इन सब ब्रिजेस में से सबसे वंडरफुल ब्रिज आपको कौन सा लगा है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।